कराची जो है वो एक ऐसा शहर है, हमारा पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। ये इसको मैं समझता हूँ कि 60s में, 70s में, 80s में साउथ एशिया का इसको पेरिस कहते थे, कराची को एक इट वाज एन एग्जांपल कोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज ये जो कमाऊ शहर है जिसकी आप टैक्स कंट्रीब्यूशन देखें नेशनल एक्सचेंज की तरफ, इसकी प्रोडक्शन की कंट्रीब्यूशन देखें, आजाद कश्मीर से देखें, बल्ती देखें, इस शहर ने हर एक को बिला तफरीक अपनी गोद में, अपने आगोश में लिया। और आज वो शहर जो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की ऐसी दिखता है, उसका हाल क्या बन गया। मैं आज पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ कंपेरिजन लेडीज एंड जेंटलमैन वेयर वी वर इन 2018 एंड वेयर वी स्टैंड टूडे। और आप में से कुछ दोस्तों ने अपने बड़े शौक और जोक से वोट दिया जो आज हुकूमत में आपका फैसला था, कुछ ने बददली से दिया, कुछ ने नीम दली से दिया, बट वॉट एवर द केस लुक एट वेयर पाकिस्तान स्टैंड टूडे अमंगस्ट कम्युनिटी ऑफ नेशंस। हमारी आज कोई एंड बेगर्स कांट बी चूज़र्स। आज हम यानी एक ही बात होती है, वहां से लोन आ जाए और उनका पे कर दें, वहां से अपना आ जाए पैसा स्टेट बैंक में रख दें और ताकि अपने रिजर्व्स बिल्ड कर लें। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट आर प्रोडक्शन, आर एम्प्लॉयमेंट, आर एक्सपोर्ट्स, आर फॉरेन चेंज अर्निंग्स, आर पॉलिसी इश्यूज, किस तरह क्या पॉलिसी बनानी है टेक्सटाइल के लिए, क्या पॉलिसी बनानी है सीमेंट के लिए, क्या पॉलिसी बनानी है एग्रीकल्चर के लिए। दिस इज वेयर वी आर रियली लैकिंग। और रोज मंत्रा होता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फला नहीं करूंगा। नेशंस आर नॉट बिल्ट लाइक दैट। भाई कौन कहता है आप किसी को छोड़ो, हमें अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, किसी को एतराज नहीं है। मगर विच हंड से आपने पूरे मुल्क का जो 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 मास का जो भट्टा बिठा दिया है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सो आई डोंट वांट टू ड्वेल एनी मोर ऑन दिस। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, खुदा करे कि पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो दोबारा वो पहिया चले, कौन नहीं चाहता।